आज से सदियों पहले एक रोमन शायर ने यूं लिखा, वक्त प्रवास करता है, टाइम फ्लाइज, लेकिन इसके लिए, इस बात को समझने के लिए आपको कोई शायर, को नसर निगार, को मुवर्रख, को हकीम, को दानश्वर होने की जरूरत नहीं है। हम में से हर एक शख्स ये जानता है कि वक्त तेजी के साथ गुजरता है। एक और शख्स ने यह कहा, वक्त गुजर जाता है लेकिन हम मौजूद रहते हैं। लेकिन फिर किसी और ने यह कहा कि हम चले जाते हैं, हम गुजर जाते हैं लेकिन वक्त मौजूद रहता है। वक्त का तर्जमा हम जमाना भी करते हैं, टाइम और स्पेस, कौनो जमा, जमाना। उसने कहा कि हम चले जाते हैं लेकिन वक्त मौजूद रहता है। वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत है। वक्त इस दुनिया में खुदावंद का इजहार है। अगर आप इस दुनिया में से वक्त को निकाल दें तो ये दुनिया चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएगी, चंद लम्हे भी नहीं लगेंगे, फौरन ख़त्म हो जाएगी। मैंने एक पैगाम में पैदाइश की किताब उसके पहले बाब और उसकी पहली दो आयात पर पैगाम देते हुए वक्त के बारे में बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया था। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी चौथी क्लास में, सोया हुआ महल। वक्त ठहर जाता है, सब चीजें सो जाती हैं, गोया तारीख वादियों में चली जाती हैं। किसी ने कहा कि हम चले जाते हैं लेकिन वक्त, जमाना मौजूद रहता है। अय्यूब की किताब उसका सातवां बाब और उसकी छठी आयत आज मेरे सामने है। अगरचे हमने इसकी आठ आयत को पढ़ा है, सातवें बाब की पहली आठ आयत हमने तलावत की हैं, लेकिन मैं छठी आयत को एक याद दहानी के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। मुमकिन है आप में से कुछ एक ने मेरी इन बातों को पहले भी सुना हो, लेकिन आज याद दहानी के तौर पर एक मरतबा फिर मैं सातवें बाब की छठी आयत को आपके साथ रखना चाहता हूं। इस आयत में अय्यूब कहता है कि मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज रफ्तार हैं, मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से ज्यादा तेज रफ्तार हैं। जूं जूं हम उम्र की हदों को पूरा करने के बाद बड़े होते हैं, हम ये जान जाते हैं कि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता है। आज मैं अपनी जिंदगी की 54 बहारें देख चुका हूं, 30 बरस पासबानी खिदमत को पूरा होने में कुछ ही वक्त रह गया है, कुछ ही महीने बाकी हैं।
लेकिन यूं लगता है कि जैसे ये कल की बात हो। हमारी शादी को 30 बरस गुजर चुके हैं, लगता है अभी कल की बात है। इसी चर्च में, इसी कलीसिया के साथ, इसी कलीसिया के पासबान ने हमें निकाह के बंधन में दाखिल किया, लगता है कल की बात है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता है, और जब हम बड़े होते हैं, उम्र के एक खास मकाम पर पहुंचते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ बड़ी तेजी के साथ गुजर गया है। 40 बरस, 30 बरस तेजी के साथ गुजर गए हैं। वक्त वाकई तेजी के साथ गुजरता है। मैं हर साल इस बात पर गौर करता हूं कि क्रिसमस सीजन आता है, नवंबर का महीना, हम तैयारियां शुरू कर देते हैं क्रिसमस की, क्रिसमस कैरल्स, क्रिसमस डेकोरेशन, और फिर क्रिसमस के खाने, ड्राई फ्रूट, लिबास, कपड़े, गीत, सब कुछ। क्रिसमस आता है, 25 दिसंबर को गुजर जाता है, नया साल आता है, गुजर जाता है। जो ही क्रिसमस सीजन खत्म होता है, हम मौसम बहार का इंतजार करने लगते हैं और ईस्टर की तैयारियां शुरू कर देते हैं। ईद क़यामतुल मसीह, गुड फ्राइडे, आवाम के लिए सलीबी कलमात के दिन खाना, ईस्टर की सुबह का नाश्ता, इबादत, गीत, मसीह के दुखों के गीत। ईस्टर आता है, गुजर जाता है। स्कूल शुरू होते हैं बच्चों के, जून में छुट्टियां, अगस्त में स्कूल दोबारा शुरू होते हैं, लगता है छुट्टियां हुई नहीं थी बच्चों को। फिर सियालकोट कन्वेंशन सितंबर, उसके बाद फिर नवंबर, और एक दफा फिर क्रिसमस सीजन। अब देखें कितनी तेजी के साथ ये सारा सर्कल चलता है और हमें पता भी नहीं चलता, बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों के लिए वक्त बहुत सुस्त रफ्तार होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वक्त तेजी के साथ गुजर जाता है, बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर जाता है। कुछ लोगों के नजदीक यह सुस्त होता है, और मैं अभी बाद में उस पर बात करूंगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वक्त तेजी के साथ गुजर जाता है। और इस तेजी को बयान करने के लिए, वक्त की तेज रफ्तार, उसके होने को बयान करने के लिए अय्यूब अपने दौर की एक तेज रफ्तार चीज का की मिसाल पेश करता है। मेरा बचपन जिस गली में गुजरा, मुझे नाम तो याद नहीं है, शायद मेरे भाइयों को वो नाम याद हो, लेकिन हमारी गली में एक जुलाहा रहता था। इतनी दूर से मुझे समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल एक जुलाहा रहता था हमारी गली में, और वो जब हम सुबह निकलते थे अपने घर से, तो वो ताना लगाया होता था उसने गली में। उस वक्त लोगों को एक दूसरे से इतनी परेशानी नहीं होती थी, तो वो ताना बनाने के लिए गली को इस्तेमाल करता था। और उसके बाद उसकी खड्डी थी जिस कमरे में, उसकी खिड़की गली में खुलती थी, और मैं अक्सर एक छोटे बच्चे के तौर पर, हम जब वहां से गुजरते थे उस खिड़की के पास से, तो हम उसको काम करते हुए देखते थे, किस तरह से वो अपनी खड्डी पर बैठकर रस्सी को खींचता है और एक शटल
उस ताने के बीच में से गुजरती है और यूं कपड़ा तैयार होता था। आजकल उसको पावर लूम्स कहते हैं। अब वो खड्डी वहां पे नहीं है, वो जुलाहा भी बेचारा मर चुका है, उसका बेटा भी उस मकान को बेचकर कहीं जा चुका है, लेकिन खड्डी की वो तस्वीर आज भी मेरे दिमाग में महफूज है, नक्श है। अय्यूब इसी खड्डी की मिसाल देता है और वो कहता है कि मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से ज्यादा तेज रफ्तार हैं। अय्यूब के जमाने में शायद इससे तेज रफ्तार कोई और चीज नहीं थी। आज की जदीद दुनिया में जिसमें मैं और आप रहते हैं, इसमें इंतहाई तेज रफ्तार चीजें मौजूद हैं जिनकी हम मिसाल दे सकते हैं। हमारे आम हवाई जहाज 900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ते हैं, इसीलिए आप घंटे सवा घंटे में लाहौर से कराची पहुंच जाते हैं, इतने तेज रफ्तार हैं। लेकिन उस जमाने में अय्यूब इस चीज की तस्वीर को पेश करता है और इसमें खुदा का पाक रूह भी उसकी मदद कर रहा है। जुलाहे की ढरकी, मुझे नहीं पता कि आपने ढरकी कभी देखी हो। जो लोग जो बच्चे हैं उन्होंने तो कभी ढरकी नहीं देखी होगी। ढरकी ये ढरकी है, जुलाहे की ढरकी, इसके अंदर ये नलकी है जिस पर धागा है और ये धागा इस ये जब घूमती है तेजी के साथ तो ये धागा उस ताने के अंदर से गुजरता है और कपड़ा बुना जाता है। इसकी जो दोनों साइडें हैं ये धात के साथ बनाई जाती हैं और चमकदार होती हैं। मेरे पास ये गुजरे कोई 20 बरस से है, मैंने इसको बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया है दिखाने के लिए लोगों को, इसलिए ये जंग आलूद है, साफ नहीं है, लेकिन इसकी जो दोनों नोके हैं वो इंतहाई शार्प बनाई जाती हैं, ये धागे के अंदर से गुजरती हैं और अगर कभी इनकी वजह से धागा टूट जाए तो जुलाहा खड्डी रोक कर उसको नॉट लगाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे उसी इलाके में जिसमें मैंने जुलाहे की खड्डी देखी थी, हमारे क्रिश्चियन कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा कारखाना है पावर लूम्स का। मैंने वहां पर जाकर उन्हीं से ही मैंने ये हासिल की और उन मशीनों को मैंने देखा जब मैं इस पैगाम की तैयारी कर रहा था कई बरस पहले। तो मैंने देखा कि अब जो पावर लूम है उसमें ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, धागा टूटे मशीन बंद हो जाती है और ये बड़ी तेजी के साथ उसमें से गुजरती है। आप आम इस आंख से इसको देख नहीं सकते, इतनी तेजी के साथ ये पावर लूम में चलती है। अय्यूब इसकी मिसाल देता है तेज रफ्तारी की निस्बत से कि मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से तेज रफ्तार हैं। आज हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिंदगी इंतहाई तेज रफ्तार हो चुकी है। हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि हमारे बुजुर्गों ने आज से कोई 20 बरस पहले 25 बरस पहले उन चीजों का ख्याल भी नहीं किया था जो आज दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया सिमट गई है। मैंने अपने बचपन में देखा कि हमारे पूरे मोहल्ले में किसी के घर में टेलीफोन नहीं था। बहुत मुद्दत के बाद टेलीफोन हमारे घरों में आए, ये जो PTCL के टेलीफोन है, तो कम्युनिकेशन कुछ आसान हुई। वरना कोई हादसा होता था, खानदान में कोई डेथ हो जाती थी, कोई खुशी का मौका होता था,
हफ्तों पता ही नहीं चलता था, खत हाथों से लिखे जाते थे। मैं जब बाहर पढ़ने के लिए गया तो मैं हर रोज खत लिखता था नरगिस को। एक ही तरीका था, कोई टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल फोन भी नहीं थे, तो खत लिखता था रोज, डाक में डाल देता था। इधर से डाकिया भी कई मर्तबा, हर रोज नहीं था बेचारा खत डिलीवर करता, तो यावर साहब को देता था खत। तो ये उकता गया, यार ये क्या मुसीबत है इतने खत। अब हम जिस दौर में रहते हैं आपको खत लिखने की जरूरत नहीं है। जी मैं देख रहा हूं, मैं आपसे हमेशा इल्तिजा करता हूं कि जब पैगाम होता है तो मेरी तरफ तवज्जो रखिए, क्योंकि ना सिर्फ आप आपस में बात करते हैं बल्कि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। थैंक यू। अब जदीद दुनिया है, अब मोबाइल फोन पकड़िए आप फौरन किसी तक पहुंच सकते हैं। यहां पर कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? कोई एक, कोई भी नहीं है, हर एक के पास है। तो ये एक्सेस है, एक हादसा होता है फौरन टेलीविजन के जरिए हमें एक चंद मिनटों में खबर पहुंच जाती है, फलां जगह पर जंग छिड़ गई, फलां जगह पर जहाज गिर गया, फ्लड की खबरें, हर तरह की भरमार है खबरों की। आप टीवी के सामने बैठ जाएं और जिन लोगों को मोबाइल पर खबरें देखने का शौक है उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूटते, क्योंकि खबरों की एक भरमार है हम पर। और इसने ना सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन का एक खजाना दिया है कि हम हर एक खबर से बाखबर रहें, बल्कि इसके साथ ही हमें एक खास साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार भी कर दिया है। और हम इसको कहते हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं वो इसको कहते हैं फ्यूचर शॉक। फ्यूचर शॉक बीमारी है, हर वक्त हर तरह की खबर हमारे लिए मौजूद रहती है, हर खबर। और ये जो खबर सां अदारे हैं ये खबरें ब्रेक करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि कोई चीज हमारी नजरों से पोशीदा नहीं है, इसने हमें मुश्किलात में डाल दिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इसमें खुश रहें, गाएं खाएं और जिंदगी को खुशी से गुजारें, लेकिन मसीहों के लिए ऐसा दुरुस्त नहीं है। हम हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हर एक चीज से समझौता कर लेते हैं। हमें अपने ईमान की मुहाफजत भी करनी है और जिंदगी की इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए, इनके साथ लड़ाई करते हुए, इनके साथ लड़ते हुए हमें कैसे रहना है। अय्यूब धरकी की इस मिसाल के वसीला से हमें यह सब कुछ सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। वो सिखाता है कि अगरचे दिन तेज रफ्तार हैं लेकिन हमें हर रोज खुदावंद से अमन और सलामती मांगना है। हमारा खुदा जमाने की इन तब्दीलियों से आजाद है जिनका हम शिकार हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक मर्तबा अपने बारे में यही कहा था कि वो इब्तदा से खुदा के साथ है। यूहन्ना अपने इंजीली बयान में मसीह के बारे में ये कहता है कि वो इब्तदा से है और खुदा के साथ है आखिर तक।
इब्रानियों के खत का मुसन्निफ यसु के बारे में कहता है कि खुदावंद यसु मसीह आज, कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। खुदावंद आसमान पर है और वो हमारे बारे में जानता है। अय्यूब कहता है, जब अय्यूब ने ये कहा कि मेरे दिल दिन जुलाही की ढरकी से तेज रफ्तार हैं, तो वो कोई जिंदगी के खुशी के दिन नहीं गुजार रहा था। ही वॉज गोइंग थ्रू द रफ टाइम ऑफ हिज लाइफ, मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसके बारे में लिखा है कि उसके दिन उम्मीद से खाली थे, उसको इन तारीख दिनों में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो नाउमीदी की हालत में था, उसकी दौलत जाती रही, हालांकि वो अपने दौर और अपने जमाने और अपने इलाके का सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स था। लेकिन उसकी दौलत जाती रही, उसका खानदान जाता रहा, उसका माल मवेशी उससे छिन गया। और हम सैनहात की एक तरतीब देखते हैं जिसमें से अय्यूब को गुजरना पड़ा। इसलिए इस तारीख दिनों में उसको रोशनी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और जब वो खुदा तक पहुंचने की कोशिश करता है तो खुदा भी उसको दूर नजर आता है, खुदा नजदीक नहीं है जिसके साथ वो बातचीत कर सके। सो अय्यूब अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिनों से गुजर रहा था। ऐसे दिनों में, जब मैंने अपनी जिंदगी में कई मरतबा ऐसे दिनों का तजुर्बा किया, तो हमें यूं लगता है कि जिंदगी बड़ी धीमी रफ्तार से चल रही है। अगर कभी हम बीमार हों, अगर कभी हम माली मुश्किलात का शिकार हों, अगर कभी हम कारोबारी मुश्किलात में पड़े हों, अगर कभी हमारे पास वसाइल की कमी हो, तो हमें लगता है कि दिन बड़े आहिस्ता गुजर रहे हैं, कछुए की मानिंद रींग रहे हैं। लेकिन अय्यूब को ऐसा नहीं लगता। अय्यूब बीमार है, मुश्किल हालात में से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से तेज रफ्तार हैं। अगर आप सातवां बाब पूरा पढ़ें तो अय्यूब जिंदगी के बारे में, उसकी तेज रफ्तारी के बारे में बयान करता है। वो अपनी जिंदगी को हवा से तशबीह देता है। और अगले दो अबवाब में कभी जिंदगी को वो साए की मानंद करार देता है, कभी वो उसको फूलों से, फूल से तशबीह देता है। जिंदगी तेज रफ्तार है उसके लिए, उसकी जिंदगी के यह दिन बड़ी तेजी के साथ गुजरते जा रहे हैं और वो इस बात को बयान करता है। हम अय्यूब की किताब के आखिर में पढ़ते हैं कि खुदा उस पर जाहिर होता है और उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है और एक मरतबा फिर वो खुदावंद में सारी बरकतों को दोबारा हासिल करता है। दूसरी बात मैं इस टेक्स्ट में से जो आपके साथ रखना चाहता हूं, ये है कि जब जुलाहा खड्डी पे कपड़ा बुनता है तो उसके जहन में उसका एक मकसद होता है जिसके लिए वो उस कपड़े को बुन रहा होता है। उस पर एक डिजाइन होता है जो जुलाहे के वीवर के, जिसको वीवर कहते हैं, वीवर के या जुलाहे के माइंड में होता है और वो उस डिजाइन को उस कपड़े पर उतार रहा होता है उस धरती की के वसीले से। खुदा हमारा
वीवर है और हम उस कपड़े की मानिंद हैं जो खड्डी के ऊपर है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही है तो ये डिजाइन मकसद खुदा के हाथों में है। और ये बात हमें तसल्ली देती है कि हमारी जिंदगियां खुदा के इख्तियार में हैं। जुलाहे की इस मिसाल से, ये एक खूबसूरत मिसाल है जिसके वसीले से खुदा हमें इस बात को सिखा रहा है कि हमारे दिन, हमारी जिंदगी का मकसद, ये सब कुछ खुदा के हाथों में है। और जब तक खुदा अपने तख्त पर मौजूद है, हमारी उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद अपने तख्त पर है और हर एक चीज उसके इख्तियार में है। मुझे नहीं पता कि आपने कभी पावर लूम्स पर काम करते हुए उस डिजाइन को देखा हो जिससे कपड़ा बुना जाता है। आजकल जदीद मशीनों पर कपड़े की बुनाई के लिए कंप्यूटराइज्ड डिजाइन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस डिजाइन को मशीन के अंदर फीड किया जाता है। और जिन मशीनों में फिजिकल डिजाइन फीड किया जाता है, मेरा ख्याल है कि आप में से बहुतों ने वो भी नहीं देखा होगा। आपके कपड़े जो पहने हैं आपने, इन पे जो चेक हैं, लाइनिंग है, ख्वातीन के कपड़ों के ऊपर जो फूल हैं, डिजाइन हैं, ये कैसे बनते हैं, शायद आपने कभी गौर ना किया हो। और अगर आप देख भी लें तो आपको समझ ना आए। मैं दिखाता हूं आपको। जिन मशीनों पर कपड़ा तैयार किया जाता है उनके अंदर डिजाइन इस सूरत में मौजूद होते हैं। ये मोटे कागज या गत्ते का एक टुकड़ा है जो इस वक्त मेरे हाथों में है और इस वक्त इस पर लॉन के जो ख्वातीन के जो सूट हैं उनमें से किसी एक सूट का डिजाइन है इसके ऊपर। लेकिन ये आपको समझ आती है कि ये क्या डिजाइन है? हाँ, ये चेक है, फूल है, लाइनिंग है, ये क्या है? आपको समझ आ रही है इसकी? बताइए। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये डिजाइन है एक, इसको मशीन में फिट किया जाता है और इन सुराखों के अंदर से धागे गुजरते हैं और वो धागे कपड़े के ऊपर एक खूबसूरत डिजाइन तरतीब देते हैं। हम खड्डी पर हैं और हमारी जिंदगी का जो मंसूबा डिजाइन है वो खुदावंद के पास है। अभी आपको उसको समझना मुश्किल लगता है। जब तक ये कपड़ा खड्डी के ऊपर है, आप इस डिजाइन को देखकर जो मैंने अभी आपको दिखाया, आप उसके डिजाइन को समझ नहीं सकते। लेकिन जब ये कपड़ा तैयार हो जाएगा बुनकर, तो आपको इसमें फूल भी नजर आएंगे, पत्तियां भी नजर आएंगी और आपको वो कपड़ा खूबसूरत दिखेगा, खूबसूरत तरीन। लेकिन अभी इस डिजाइन की आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको समझ नहीं सकते। हमारी जिंदगियां खुदावंद के हाथों में हैं। हम किस तरह के चैलेंजेस का हमें सामना है, हमें उनका कोई पता नहीं है। हमें अभी अपनी जिंदगी के बारे में कोई समझ नहीं आती। मुकद्दस पौलुस रसूल, जो बहुत बड़ा थियोलॉजियन है, वो कहता है कि अब हमें आईने में धुंधला नजर आता है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस एंड डिजाइन ऑफ अवर लाइफ। हम इसको समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, लेकिन यह डिजाइन मौजूद है। मेरी और आपकी जिंदगी का डिजाइन
खुदावंद के पास मौजूद है। और जब तक हम खट्टी पर हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में अच्छे दिन भी आएंगे और इस दुनिया में चैलेंजेस भी होंगे, इस दुनिया में बीमारियां भी होंगी और इस दुनिया में मुश्किलात भी होंगी। ये सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब तक हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनते, खुदावंद के पाकलाम में यह तस्वीर बड़ी खूबसूरत है कि हम अपनी जिंदगी को, जो अच्छे बुरे दिन आ रहे हैं, हम उनको समझ नहीं रहे, लेकिन खुदावंद समझ रहा है। सो जहां अभी सुर्ख रंग का धागा चल रहा है और हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल दिन है, हम माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, हम बीमारी में से गुजर रहे हैं, हम दुखों में से गुजर रहे हैं, हमें अजीब लगता है, हम कई एक मर्तबा इसके लिए खुदा को इल्जाम देते हैं कि क्यों ये बीमारी मेरी जिंदगी में आई है, क्यों मैं इस मुश्किल में से गुजर रहा हूं। दुनिया में 7 अरब लोग और रहते हैं, खुदा ने मुझे क्यों चुना इस बीमारी में से गुजारने के लिए, सिर्फ मेरी जिंदगी में ये दुख क्यों आए हैं, सिर्फ मैं क्यों माली मुश्किलात का शिकार हूं, मैं किसी दौलतमंद आदमी की तरह क्यों नहीं हूं, मैं भी मेहनत करता हूं लेकिन मेरे पास वो चीजें नहीं हैं। हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन जब कपड़ा बुनकर तैयार होता है तो वही सुर्ख रंग का धागा एक खूबसूरत गुलाब का फूल बन जाता है कपड़े के ऊपर, और फिर हमें वो खूबसूरत लगता है। मैंने ये तजुर्बा किया है कि हमारी जिंदगी में जो दुख भरे दिन होते हैं, जब गुजर जाते हैं तो बाद में हमें वो वक्त बहुत अच्छा लगता है। हमें पता चलता है कि खुदा ने हमें क्या सिखाया था। सो डोंट ब्लेम द लॉर्ड, खुदा को इल्जाम ना दीजिए कि आपकी जिंदगी में ये बुरे दिन क्यों हैं, क्योंकि यही बुरे दिन एक दिन आपके लिए खुशी का सबब बनेंगे। खुदा उनके पाकलाम में लिखा है, सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। ये दिन एक दिन आएगा जब आपको अच्छे लगेंगे। जब तक आप खड्डी पर हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, आप वीवर के हाथों में हैं, खुदा के हाथों में हैं, जो हमारा वीवर है, आप उसके हाथों में हैं। और ये दिन तेजी के साथ गुजरते जा रहे हैं। मैं एक और बात आपके साथ यहां पे रखना चाहता हूं जो मैंने ऑब्जर्व की है खड्डी से। जब कपड़ा बुनकर तैयार हो जाता है तो अभी तक उसमें वो खूबसूरत नहीं होता, बल्कि उसमें नॉट्स होती हैं कई एक जगह पर, और फिर एक और मरहले से ये कपड़ा गुजरता है, उसको हम कहते हैं फिनिशिंग। सारी उसके ऊपर जो धागे लगे होते हैं उनको साफ किया जाता है और उसके बाद कपड़ा मार्केट में बेचने के लिए या तैयार होकर वो बिल्कुल अपनी असल शक्ल में आ जाता है। खुदा हमारी क्रूनिंग करता है, वो हमें काटता छांटता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील बयान उसके 15वें बाब में यही बयान किया। एक और जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब वो अंगूर के हकीकी दरख्त की मिसाल दे रहे थे, कि बागबान काटता छांटता है, वो आपको काटता छांटता है। और जब आप लास्ट प्रोडक्ट होगी तो उसके बारे में मुकद्दस पालूस कहता है कि हम जलाली बदन के साथ उठ खड़े होंगे, ये फानी जिस्म मिट जाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आसमान पर से आएगा तो ये बदन जलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे। जमीन और समुंदर अपने अपने मुर्दे लौटा देंगे, लेकिन वो ये बदन नहीं होंगे बल्कि वो जलाली बदन होंगे। जलाली बदन,
द फाइनल प्रोडक्ट जो सचमुच हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे वो वक्त वो होगा। और आखिरी बात मैं इसमें से अय्यूब की किताब के इस बयान से आपके साथ रखना चाहता हूँ, वो कहता है कि मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं। गोया वो मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि दिन गुजर जाते हैं, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अगर आप जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर आप मुश्किलात का शिकार हैं, अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो ये वक्त गुजर जाएगा। हमारा मुल्क इस वक्त एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है, सैलाब की तकलीफ। और मेरा, चूंकि मैं इन दिनों में अभी भी उनके लिए फंड रेज कर रहा हूं, इसलिए मेरी तवज्जो उनकी जानब रहती है। मुझे किसी ने एक फिल्म भेजी, मैंने वो अपने स्टेटस पे लगाई व्हाट्सएप पे, और आप में से बहुतों ने उसको देखा, 200 से ज़ायद लोग उसको देख चुके हैं एक दिन में, वो होता ही एक दिन के लिए। सिर्फ एक आटे के 10 किलो के थैले के लिए लोगों की जंग, और उनके चेहरे पे करब, उनकी अजियत। अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, अगर अभी तक वो है तो उस फिल्म को देखिए, कितना करब है लोगों के चेहरे पे सिर्फ एक आटे के थैले को हासिल करने के लिए, इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास आटा नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो एक आटे के थैले के लिए लड़ रहे हैं। और जब हम अपने घरों में खाना खाते हैं तो हमने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन मेरे जीजो ये वक्त गुजर जाएगा, उनकी मुश्किलात एक वक्त आएगा जब वो संभल जाएंगे, कम हो जाएंगी। अभी उनको हमारी, मेरी और आपकी, हर उस शख्स की जो एक बावकार जिंदगी गुजार रहा है, जिसको खुराक लिबास रहाइश मुयस्सर है, उनकी मदद की उनको जरूरत है। आपकी दी हुई एक रोटी किसी एक शख्स का एक वक्त के लिए उसका पेट भर सकती है। वक्त गुजर जाएगा, लेकिन यह मौका शायद आपको दोबारा ना मिले लोगों की मदद करने का। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। पाकिस्तान मुश्किल हालात में से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हर एक शहरी को जिसके पास खाने के लिए कुछ है, पहनने के लिए कुछ है, सर छुपाने के लिए छत है, उसको एक मौका खुदावंद की तरफ से मिला है कि आप उनकी मदद कीजिए। आपको खुदा ने मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठाइए। और इस वक्त में जो मुसीबत का वक्त है, उन लोगों की मदद कीजिए। हम उस जंग को तो खत्म नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन जो कुछ हम कर सकते हैं वी मस्ट डू दैट, वो करें। और उन लोगों के लिए काम कीजिए। लेकिन अय्यूब की किताब की यह तस्वीर बयान करती है कि कहते हैं मेरे दिन जुलाहे की ढरकी की माने तेज रफ्तार हैं, वक्त गुजर जाएगा, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज मुसीबत है, कल खुशी होगी, और अगर आज खुशी है तो यह कल मुसीबत भी बन सकती है। अभी जो वादियां तबाह हुई हैं, हम पूरा खानदान सिर्फ महीना डेढ़ महीना पहले वहां पर थे, अगस्त के शुरू में, जुलाई के आखिर में, जुलाई के शुरू में हम वहां पर थे, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं होटल्स में, उन्हीं मकामात पर हम रह के आए थे। अगर फ्लड उस वक्त आ जाता तो आज यहां पर कोई और शख्स खड़ा होता,
कोई पता नहीं वक्त का। इसलिए वक्त तो बदल जाता है। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, अगर आप मुसीबत के दिनों में से गुजर रहे हैं, परेशान ना हो, ये दिन गुजर जाएंगे, अच्छा वक्त आने वाला है। लेकिन इस वक्त जो लोग मुसीबत में हैं, उनकी तरफ भी अपने हाथ बढ़ाइए और उनकी मदद कीजिए। खुदा मुझे आप सबको इन बातों से, ख़ास तौर पर जुलाहे की धरती से ये सबक जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं, इनको सीखने, इनको कबूल करने का फजल बख्शे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से, मुश्किलात, परेशानियों और बीमारियों से कभी भी घबराएं ना, बल्कि उनका मुकाबला करें और ये समझें कि खुदा का एक प्लान है जिसको मैं और आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हमें आईने में धुंधला नज़र आता है, लेकिन खुदावंद सब कुछ देख रहा है और सब कुछ उसके हाथों और उसके इख्तियार में है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।